हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी टाइम बाद आ रही है, क्योंकि बीच में मुझे टाइम नहीं मिल पाया था शूट करने का और मैं बिज़ी होने की वजह से नहीं कर पाया था। लेकिन फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो थी वो काफ़ी ज़रूरी थी आप सब भाइयों के लिए जो किया कैरेंस ओन करते हैं पेट्रोल मॉडल। और वो इसलिए फ्रेंड्स, आज मेरा सर्विस का डे है कार का, तो जो कार है मेरी मैं आपको अभी ऑडोमीटर दिखाता हूँ। आप भी देख पा रहे हैं 27,531 ऑलमोस्ट चल चुकी है गाड़ी मेरी। तो फ्रेंड्स, आज मैं किया सर्विस सेंटर पर तो नहीं जा रहा, मैं दूसरे सर्विस सेंटर पर जा रहा हूँ, उसकी डिटेल मैं अभी आपको दूंगा वीडियो में। और फ्रेंड्स, इसमें जब वारंटी हमें गाड़ी की नहीं मिल रही है तो CNG ही हमें यूज़ करने, तो नॉर्मल इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर और जो भी AC फिल्टर और एयर फिल्टर भी मैं चेक कराऊंगा, अगर उसकी नीड पड़ी तो वो भी चेंज होगा। तो एक नॉर्मल बेसिकली जो सर्विस होती है वो होगी, बाकी ब्रेक्स वगैरह भी मैं क्लीन कराऊंगा, सारी चीज़ें मैं कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि वहाँ पे क्या आज हमारा खर्चा होने वाला है। बाकी किया में मैं देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको जैसा ठीक लगे आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपनी पर्सनल चॉइस थी कि मुझे जब वारंटी लैप्स खत्म हो चुकी है ऑलरेडी मेरी CNG लगने पर, तो फिर यह है कि यार बाहर करा ली जाए। बाहर का मतलब ये काम तो वही होता है, थोड़ा अच्छे से हो जाएगा, तसल्ली हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा चलते हैं सेंटर पे। फाइनली फ्रेंड्स, हम सर्विस सेंटर पे आ चुके हैं और अंदर चल के बात करेंगे क्या क्या इसमें पार्ट्स डलेंगे, क्या चेंज होने की जरूरत है, जो भी फ्रेंड्स। जैसे ब्रेक की क्लीनिंग हो रही है, कैलिपर पे नहीं है, जैसे में आगे बड़े तरीके से काम करा जाना है। अभी मैंने ये भी देखा है जो इसमें ब्रेक पैड है वो भी काफी है, अभी बढ़िया है, बिल्कुल सही है, 10-15 कम रहेंगे, तो बिल्कुल तसल्ली पूर्वक सर्विस करी जा रही है। यहाँ पे ग्रीसिंग मशीन वगैरह अच्छे से लगा रहे हैं, थोड़ा सा तरीके से काम होता है। ऐसे ही पीछे के सारे टायरों में कैलिपर पे ग्रीसिंग भी चेक कर रहे हैं और जहाँ जो पड़ रही है लगा भी रहे हैं, तो बढ़िया तरीके से काम हो रहा है, मतलब मैं तो पूरा सेटिस्फाइड हूँ अभी तक। ग्रीसिंग वैसे थोड़ी बहुत कंपनी वाली तो है, लेकिन थोड़ी कम हो गई थी, इसलिए ग्रीसिंग तो फिर भी कर देते हैं, क्लीनिंग हो जाती है एयर वेयर लग के। बॉडी क्लीनिंग हो रही है, अब अंदर से होने का टाइम है इसका। देखिए भैया ने पूरे मैट वेट अच्छे से हटा दिए नीचे, ये प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग होगी। अंदर से भी आप देखिए पूरे मैट प्रॉपर तरीके से पूरा मैट हटा दिया, अब ऐसी हो गई है जैसे गाड़ी कंपनी से आती है ना, बिल्कुल ये मैट होता है बस वही है ब्लैक कलर का। पूरी आप देखिए पूरा मैट अच्छे से हटाया है, ये गाड़ी वाला मैट जो आता है गाड़ी सारे काफ़ी गंदी हो गई थी, तो ये पूरी तरह यहाँ से वैक्यूम करेंगे, उसके बाद पूरी प्रॉपर क्लीनिंग होगी, अभी कार वॉशिंग होती हुई गाड़ी सभी वगैरह तो हो चुकी है, बाकी वॉशिंग का टाइम है, वॉशिंग होगी अंदर से अच्छी तरह क्लीनिंग होगी। फाइनली फ्रेंड्स, कार चल चुकी है 27,542 किलोमीटर्स और सर्विस आज मेरी कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स, तो अब मैं निकल गया हूँ, वॉशिंग अच्छी तरीके से होगी फ्रेंड्स। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गाड़ी है उसमें इंजन ऑयल चेंज हुआ है, ऑयल फिल्टर और आपका एयर फिल्टर, AC फिल्टर लास्ट टाइम चेंज हुआ था, मैंने चेंज करा लिया था बाहर से, तो उसमें मेरा वो भी क्लीन हो गया था, और बाकी अंदर से पूरी ड्राई क्लीनिंग टाइप, ड्राई क्लीनिंग नहीं आप क्लीनिंग कह सकते हो, प्रॉपर तरीके से वैक्यूम लगा के हर तरीके से गाड़ी पूरी कर दी है, गाड़ी सेटिस्फाइड मैं हूँ इससे पूरा। और दूसरी बात ये इन्होंने अपनी तरफ से पॉलिश वॉलिश भी अच्छी तरीके से मार के गाड़ी मतलब ओके करके दे दी मुझे, और गाड़ी मैंने चला के भी देखी, पिकअप भी लेके देखा, तो अभी मतलब 19-21 का फ़र्क मुझे महसूस हो रहा है, ज़्यादा खास तो फ़र्क महसूस मुझे अभी तक नहीं हुआ, और बाकी अब गाड़ी चलेगी जब पता लगेगा फ्रेंड्स। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा बहुत नॉमिनल चार्जेस में मेरा काम हो गया फ्रेंड्स, कंपनी में जाता कंपनी में मेरा कम से कम
उन्होंने एस्टिमेट ही मुझे 7,000 से लेकर 10,000 के बीच में दिया था, और बाकी डिपेंड करता है क्या क्या उसमें काम करा रहे हैं, अलाइनमेंट बैलेंसिंग करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। मैंने इसमें सिर्फ ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और इंजन ऑयल, जो जो चीज़ की जरूरत थी वो काम मेरे इसमें हुए। तो फ्रेंड्स मैं सेटिस्फाइड हूँ इससे, यहाँ से सर्विस करा के, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी में सर्विस होती है ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हुई। लेकिन यह है कि यहाँ नॉमिनल चार्जेस लगते हैं, कंपनी में क्या होता है वो करते हैं अलाइनमेंट बैलेंसिंग की भी नीड होती है वहाँ पे, वो शायद 1500 से 1800 कॉस्टिंग करती है कंपनी की। उसकी गाड़ी में नीड नहीं थी क्योंकि वो भी बीच में मेरी हो गई थी गाड़ी की, मैंने करा ली थी तो इसलिए मुझे उसकी नीड नहीं पड़ी। बाकी वही है, जमा सामान क्या क्या काम आप कराते हैं उसमें, उस पर डिपेंड करता है। नॉर्मल आप सर्विस कराओगे तो इसमें मेरा जो खर्चा है मैं आपको पर्चा बता देता हूँ। आप ये देखिए फ्रेंड्स, AMB मोटर्स करके कंपनी है ये, और इसमें आपको मैं बता देता हूँ, इंजन ऑयल डला है ये लगभग 4 लीटर प्लस डला है मेरा, ऑयल फिल्टर 425, एयर फिल्टर और ये आपका कैलिबर जो इसमें ग्रीसिंग वगैरह लगती है, बाकी काम होते हैं, वॉशिंग वगैरह हुई है, सर्विस चार्जेस 1200, तो लगभग 4000 का बिल बना है। 4 में भी उन्होंने, मैं उनका पुराना कस्टमर था तो थोड़ा सा उन्होंने डिस्काउंट मुझे कर दिया, तो मुझे अराउंड 3500 रुपये में सर्विस मेरी कंप्लीट होगी फ्रेंड्स। तो मेरे हिसाब से काफ़ी सही प्राइस है, क्योंकि मैं पुराना कस्टमर था इनका, तो थोड़ा इन्होंने भी डिस्काउंट भी थोड़ा इसमें अवेल कर दिया इस प्राइस के अंदर भी, और चीज़ सब जेन्युइन डाली है फ्रेंड्स। सबसे पहली बात ये, लोग सोचते हैं कि सस्ता है तो सस्ते के चक्कर में कभी चीज़ हल्की डलकी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बिल्कुल प्रॉपर दिखा के तब इन लोगों ने चीज़ डाली इसके अंदर। तो फ्रेंड्स मैं आपको, किसी को भी करानी है करा सकते हैं, बाकी आपको मैं डिटेल दे दी है, गाड़ी 27,500 चली है, अब नेक्स्ट सर्विस जो होगी वो कम से कम 8-8.5 किलोमीटर बाद होगी। और बाकी फ्रेंड्स आपके अंदर कुछ भी क्वेश्चंस हो कैरेंस के रिगार्डिंग, CNG के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मुझे ये भी सुनने में आया फ्रेंड्स कि किया का अप्रूवल BS6 का CNG का आ चुका है, लेकिन उसको अप्लाई होने में शायद हो सकता है 1-20 दिन का या 2 महीने का टाइम लग जाए। तो जैसे ही अप्रूवल आता है तो हम लोग फ्रेंड्स CNG भी अप्रूव कराएंगे, उसमें CNG पेपर पे चढ़वा लेंगे, तो वो प्रॉब्लम भी खत्म है, कल को कोई गाड़ी पकड़ ले कोई प्रॉब्लम हो। वैसे गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही है मेरी, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं फील हो रही। बाकी आपसे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।